जो भी हमें समझाया, मतलब उनकी भावना मतलब जो है अंदर से उनका प्यार है, मतलब उनको खुशी मिली है कि आप सब आए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है। मैं मुझे भी कुछ चीजें याद आ रही, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। पहले सर को बैठा रहे हैं, जिनकी हम सामने बैठे हुए खड़े हैं सर, आसिफ सर ये है दो जमाई यानी ये ऐसा नहीं, ये क्या है सर? पहले बना तो लो, जैसा मैंने कहा कि पहले खुद करो, ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहो, आपको कुछ करना पड़ेगा, वो बातें करते हैं ऐसे। देखो मैं आपको सचिव बताऊं, मैं इज्जत को बहुत ज्यादा मैं ध्यान देता हूं। मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे सर, वो अकेले चार भाई थे मेरे पिताजी, चार भाई अकेले बंदे ने बैंक लूटा, किसी ने साथ नहीं दिया, बंदा कहता है घोड़ा ले लो है ना, पत्थर ले लो मैं तोड़ देना, अकेले बंदे ने बैंक लूटा, पैसे लूटे, पुलिस ने पकड़ लिया। उस वक्त पुलिस आ जाती थी, रिश्वत का जमाना थी, पुलिस ने गधे पे बिठा दिया, मुंह काला कर दिया, जब जूतों के हार डालने लगे, मैं बेटा हूं मैं कैसे देखता, मैंने मुंह उधर कर लिया, मैं क्या जो करना करो क्योंकि इज्जत है मैं नहीं बर्दाश्त कर ऐसे भाषण। और वैसे भी मेरा बचपन में जन्म हो गया था, माँ मेरी लेडीज थी, तो मैं अपने बच्चों को भी एक बताता हूं कि बेटे बेटी है मेरी, बेटी को बोलता हूं कि दिन में बेटा कहीं भी जाओ, रात को 8 बजे से पहले घर आ जाओ, माहौल ठीक नहीं है, वो 7:45 आ जाती है, चाहे चौथे दिन आए वो उसकी मर्जी, क्योंकि इज्जत है सब कुछ। तो ऐसे माहौल हमें याद आते हैं, ऐसी कॉमेडी याद आती है। मैं कुछ भी करूं, जो पुरानी बातें हैं ना, वो पुराना प्यार वो आज नहीं है। मैं संगीत की बात कर रहा हूं, मुझे पता चला था कि अनु मलिक जी भी आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा मुझे एक अच्छा एक बात कर लगा, अनु मलिक जी का सुबह फोन आया, ऐसे नहीं है कैसे फोन, दोबारा तिबारा मिस कॉल पड़ी हुई थी तो मैंने कॉल किया, क्या बात है नहीं आ रहे, कहा कि मैं आ नहीं हूं, मैं अपनी माता जी के साथ में हॉस्पिटल हूं, लेकिन एक बात जो कही मुझे छू गई, वो बात कहा कि मैं कैसे बोल सकता हूं आपको कि आप में मेरी अंगुली पकड़ करके आप मिनिस्टर के यहाँ ले गए और मुझे अवार्ड दिलाया, ये तो मेरा आपका एहसान जो दुनिया और जीवन में मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं। तो मुझे खुशी इस बात का है उस आदमी ने एक नॉलेज दिया, मतलब एक नॉलेज किया इस बात को मुझे, आज हमने कहा आज से आपके प्रति हमारा सम्मान बढ़ गया। पहले तो लग रहा था कि कलाकारी है भाई, ये तो मिले और चले थे, तो कहा मैं भूला नहीं ना कभी भूलूंगा, इसलिए उनके मदद। तो अनु मलिक जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे उनके गाने बहुत फेमस हुए सर, जो उन्होंने पुराने गाने लिखे। अच्छा, गानों में हो या बातों में हो, पुरानी चीजें पुरानी होती है, पुराने गानों में ज्यादा ज्यादा चलो कोई बात नहीं, अरे वो उनको ऑर्गेनाइजर है भाई, उनको वीडियो बना के भेजनी है कि आज पापा ने कितना अच्छा माहौल बनाया और क्या। अच्छा मैं बात कर रहा था कि पुराने गाने जो है, जैसे अनु मलिक जी का वो गाना ना, कहो ना कहो ये आंखें बोल, आंखें बोलती है तुम, बोलो ना बोलो आंखें बोलती, पुराने गानों में ना एक शर्म होती थी, एक हया होती थी, जैसे पहले गाने होते थे किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, मतलब उनको शर्म होती थी मैं छुप छुपा के आई हूँ, मम्मी डैडी देख ना ले। और आजकल देखो कुंडी ना कड़काओ राजा सी रही अंदर आ, मतलब पुराने गानों में एक बात है, पुराने गानों में सर, पुराने गानों में एक बीवी को जैसे बंदा प्यार करता है तो गानों में वो बच्चिया होने ना ले, एक दूसरे को हम सोने ना ले, बच्ची को सोने ले यार, सुबह ऑफिस जाना, फूल चार्जर का बच्चा सोने लेगा सर, क्या मतलब। तो ये ऐसा माहौल है, मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर नहीं बन पाया था, तो इंडियन आइडल नहीं होते थे, पैसा होता नहीं था, तो शॉर्ट पड़ा था, लेकिन मुझे 2 मिनट भी अगर स्टेज पे मौका मिल जाता था, मैं 20-25 गाने डाल देता था।
आप कोई भी गाना बोलिए, हिंदी गाना किशोर साहब का, रफी साहब का, कोई भी गाना बताइए, मैं तो भी सिंगर हो गया पागल। बार बार दिन क्योंकि आपने शुरू होना है तो मेरा खत्म हो जाना, क्योंकि मेरा पता नहीं कैसे चल रहा हूँ। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए तुझे हजारों साल, ये मेरी किस्मत में तू मेरी जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर छिड़ी रात बात भूलों का तारों का सबका कहना है कहना है आज तुम आ गए हो नूर आ गया। तो आज सर आपकी पार्टी में अगर जगजीत सिंह जगजीत साहब सर आपका चश्मा ले लो एक मिनट, जगजीत सिंह जी अगर, क्योंकि मेरा आज मन बना है ऐसे, कई बार तो हमें पैसे भी मिलते रहता हूँ, जगजीत सिंह जी आए हैं आपको मुबारकबाद देने, गजल गाए हैं और उनका अंदाज क्या होगा क्योंकि वो सुने हुए इंसान थे, जब भी गाया उन्होंने अच्छा गाया, लेकिन जब कोई अच्छा गायक पुराना गायक ऐसे माहौल में आया, एक तो बंदे तो होते हैं बीच में शरारत करने वाले, फरमाइश करने वाले, वो प्रोग्राम खराब करने आते हैं, वो सोच के आते हैं शो खराब करने, लेकिन वो होने नहीं देते। कैसे जगजीत सिंह वो बंद करो मैं देता हूं सर, सबसे पहले शक्ल बनाओ सर आप तो कहें कितने आगे और नहीं आने शुरू करो ओके होठों से छू लो तुम सर आपके अपने होठ में छू रहे लोगों की क्या भाव है सर शुरू करो ओके क्या सुनोगे बोलो तारा किसी ने फरमाइश की बोलो तारा राणा गड्ढे के नाच चर की सुनाओ तो तारा राणा कहा जगजीत सिंह जी कहा लेकिन फिर भी गा रहे गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो इस उम्र में तारा करा रहे हो किसी ने समझाया भी ऐसे मत करो जगजीत सिंह जी हैं अच्छी फरमाइश करो कहते आराम से सर वो सुनाइए सर बड़ा अच्छा माहौल बना है सर भी बैठे हैं उधर जी मुन्नी बदनाम हुई डाल लिया बड़ी अच्छी फरमाइश वो भी गा रहे हैं गाना पड़ेगा स्टेज पे हैं मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए वो जनूबानी नीचे से नमाज पंजाब से भी अपने आए थे और छटो जी ये सब पागल है आप एक बड़क मारो ये बड़क क्या होती है और धुआ हम ये कहां जगजीत सिंह कहां धुआ लेकिन सुरीले बने कर रहे हैं वो धुआ धुआ बहुत बहुत मुबारक आपको हमेशा इसी तरह खुश रहें।